स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के लिए 37वें निर्माण दिवस पर स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार का आयोजन। हमीरपुर के राजनगर के स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 37वें निर्माण दिवस पर स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार आयोजित किया गया। यह पुरस्कार शिक्षा और गुरुक्षा के क्षेत्र में देश का यह विशिष्ट पुरस्कार है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। वर्ष 2020 का पुरस्कार डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, अकादमिक सलाहकार राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या को दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह रहे। विशेष उपस्थिति मनोज दीक्षित राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं अमित राजपूत वरिष्ठ लेखक स्तंभकार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पीवाडी व समिति के सदस्यों ने अतिथियों के साथ स्वामी जी के समाधि स्थल में पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित वक्ताओं ने स्वामी ब्रह्मानंद जी के शैक्षिक दर्शन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के संस्थापक सदस्य जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीव वर्ग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र सिंह जी राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि ब्रह्मानंद जी का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है, जहां शुरुआत उन्होंने गोरक्षा से की लेकिन बाद का काल उनका शिक्षा के लिए समर्पित रहा। ब्रह्मानंद जी का शिक्षा क्षेत्र में बड़ा योगदान था। शुरुआत उन्होंने गोरक्षा से की लेकिन बाद का काल उनका शिक्षा के लिए समर्पित रहा। अभी हमने अपने उद्बोधन में भी कहा कि शिक्षा जितनी सार्थक और संस्कार वाली हो उतना अच्छा है। उन्होंने जिस शिक्षा का विस्तार किया निश्चित तौर पर गुरुकुल परंपरा के आसपास है, और यह पुरस्कार तो भव्य है, दिव्य है, और पुरस्कार तो किसी व्यक्ति को दिया जाता है लेकिन पुरस्कार जो है सभी को प्रेरणा देता है। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। सर, एक विशेष कार्यक्रम जो भी मैंने रखा गया था कि निर्माण स्थिति पर स्वामी जी के एक रत्न जो है उनके जैसे अवार्ड दिया जाता है, और आज डॉक्टर अरुण कुमार जी को इसे सम्मानित किया गया, सर उनके बारे में कहना। डॉक्टर अरुण पांडे जी, हाँ जी, डॉक्टर अरुण पांडे एक तो शिक्षाविद है और हमारे मीडिया के बड़े बड़े हस्ताक्षर हैं। मीडिया के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है, शिक्षा क्षेत्र में भी योगदान है। अरुण पांडे जिस दिशा में जा रहे हैं मीडिया और शिक्षा क्षेत्र में, उसमें वास्तव में काबिल लोगों की बहुत जरूरत है। इस दृष्टि से उनका उनको पुरस्कार दिया जाना और इस क्षेत्र में उनको और आगे जाना पूरे समाज के लिए सार्थकता। निर्माण क्लास में स्वामी ब्रह्मानंद जी का बुंदेलखंड में शिक्षा के लिए बहुत विशाल काम किया है। इसको भी कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के लिए एक नजीर पेश की स्वामी ब्रह्मानंद जी। आज उनका निर्माण दिवस है, इस उपलक्ष्य में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति राज हमीरपुर प्रत्येक वर्ष स्वामी जी के दो विशिष्ट अवदानों में शिक्षा और गोरक्षा, इसमें उन्होंने विशेष कार्य किया। तो इन्हीं तो विशेष अवदानों में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं संपूर्ण देश एवं आल वर्ग, उसमें जो शिक्षा गुरक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रतिवर्ष सम्मान देने के लिए 13 सितंबर को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार का आयोजन करते हैं। स्वामी जी की 125वीं जयंती में इसका शुरुआत करी गई थी। पहला पुरस्कार जर्मनी की निवासी फ्रेडरिक क्रिस्टीना बोल को दिया गया था गो सेवा के लिए, और आप पद्मश्री से अवार्डेड हैं। और इस वर्ष का जो शिक्षा के क्षेत्र पुरस्कार दिया गया है वो डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने भारतीय स्वयं संपदा के लिए बहुत अच्छा काम किया है दक्षिण कोरिया में देश के अंदर। ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अकादमिक सलाहकार भी हैं और शिक्षा में अच्छा कार्य करने के लिए हम लोगों ने सम्मान देने के लिए, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए कि जो स्वामी जी के परिचन्नों पर चलता है या स्वामी जी के जो विशेष कार्य रहे हैं तो उनको जो आगे बढ़ा रहा है उनको हम सम्मानित करते। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति का ये उद्देश्य है कि ऐसे कार्य करने वालों को हम सम्मानित करें।